मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साल कट ऑफ इंक्रीज होगी बच्चों। जो नीट की कट ऑफ है किसी भी कोर्स के लिए, वो सारे कोर्सेज के लिए कट ऑफ इंक्रीज होगी। क्या फैक्टर्स हैं, किस बेसिस पे मैं कह रही हूँ कि कट ऑफ इंक्रीज होगी, वो सारे फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। कैटेगरी वाइज कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे कि किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जाएगी, और तीन कोर्सेज के कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे, MBBS, BDS और BAMS। इन तीनों कोर्सेज की कट ऑफ क्या रहने वाली है इस साल के लिए, वो हम आज की वीडियो में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस, दिस इज सुमन यादव। नीट यूजी का एग्जाम जो आपका हुआ है 5 मई को, उसमें आपका पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर पिछले साल के मुकाबले काफी इजी रहा है। पिछले साल का अगर आप पेपर उठा कर देखोगे तो वो पेपर थोड़ा सा टफ आया था एज कम्पेयर टू 2024। तो पेपर टफ आया था प्लस कंपटीशन बढ़ा है, ठीक है। कंपटीशन पिछले साल 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, इस साल 24 लाख लोग अपीयर हुए हैं, 24 लाख से ऊपर लोग अपीयर हुए हैं, यानी लगभग 4 लाख की बढ़ोतरी है इस साल। और ऊपर से पेपर टफ आया था पिछली बार, इस साल इजी आया है। पेपर टफ आने पे पिछले साल कट ऑफ आपके 600 नंबर के लगभग गई थी जनरल कैटेगरी की, तो पेपर इस साल इजी आया था तो जाहिर सी बात है कट ऑफ हाई जाएगी। और कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि मैम सीट भी तो बढ़ी हुई है, गवर्नमेंट सीट भी तो बढ़ी है। तो बच्चों एक बात का ध्यान दो, गवर्नमेंट सीट मात्र 4000 बढ़ी हैं। आपकी पहले 51,000 सीट्स थी, अब आपकी 56,000 सीट्स हुई हैं, मात्र 4000 सीट बढ़ी हैं, और 4000 पे 4 लाख लोग एक्स्ट्रा हुए हैं, ये भी आप ध्यान दो। और पेपर भी इजी आया है, तो इसी बेसिस पे मैं कह रही हूँ कि कट ऑफ आपकी बढ़ेगी। मैं पिछले साल के कट ऑफ बताती हूँ और इस साल के कट ऑफ से तुलना करती हूँ। पिछले साल की जो कट ऑफ थी वो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 610 तक या 600 तक गई थी लगभग, ठीक है। कुछ कॉलेजेस की, कुछ स्टेट्स की 600 तक गई थी, लेकिन 600 प्लस आप मान के चल सकते हो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी। और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इस साल भी यही रहेगा, लेकिन क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ गया और पेपर भी इजी आ गया, पेपर अगर इजी नहीं आया होता तो कट ऑफ सिमिलर रहती, लेकिन पेपर इजी आ गया इस वजह से कट ऑफ बढ़ेगी बच्चों। कट ऑफ क्या रहेगी, जनरल कैटेगरी के लिए आपकी कट ऑफ 620 प्लस रहने वाली है, 620 से कम में मुश्किल ही है हो पाना, 620 प्लस रहेगी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 610 प्लस रहेगी, 610 से आपके कम है तो मुश्किल है आपका होना, ठीक है। मैं नहीं कहती ट्राई मत करो, 600 से ऊपर वाले ट्राई जरूर करें, लेकिन मुश्किल है, 610 लगभग कट ऑफ रहेगी, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी के लिए। एससी वाले बच्चों के लिए 460 नंबर तक कट ऑफ जा सकती है, 460, ठीक है। एसटी कैटेगरी वालों के लिए 450 या 440 तक कट ऑफ जा सकती है, ओके। और जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ कभी कभी बहुत ही लो होती है, पर अंदाज में आप लेके चल सकते हो 400 नंबर, 400 प्लस उनकी भी कट ऑफ रहेगी एमबीबीएस के लिए, ठीक है। ये आपकी एमबीबीएस की कट ऑफ थी। अगर अब मैं बात करूं बीएएमएस और बीडीएस की कट ऑफ की, तो बीएएमएस और बीडीएस की कट ऑफ लगभग सेम रहती है। अगर आपको बीएएमएस और बीडीएस के बारे में नहीं मालूम है तो मैंने वीडियो बना रखी है इनके कोर्स डिटेल्स पे, आप जाके देख सकते हो, ये भी बहुत अच्छे कोर्स हैं। वीडियो का लिंक मैं लास्ट में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मैं दे दूंगी नीट, उसमें आपको जो भी कोर्स आपको करना है उस सबकी डिटेल्स मैंने दे रखी है, कोई भी कोर्स की डिटेल आप ढूंढ सकते हो। अगर कोई नहीं मिलता है तो आप मुझसे कॉमेंट में मांग सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, ओके। तो फिलहाल बात करते हैं बीडीएस और बीएएमएस की, इनकी कट ऑफ लगभग सेम रहती है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है लेकिन लगभग सेम कट ऑफ रहती है। तो जो आपकी बीडीएस और बीएएमएस के लिए कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की, वो 580 के लगभग होगी, 580 प्लस होगी, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो भी 570 प्लस रहेगी, अगर आप ओबीसी हो तो भी 570 के लगभग आप मान सकते हो अपनी कट ऑफ, अगर आप एससी हो, एससी कैटेगरी से हो तो आपकी कट ऑफ 550 के लगभग रहने वाली है, अगर आप एसटी हो तो आपकी कट ऑफ 530 तक हो सकती है, पीडब्ल्यूडी के लिए 520 तक हो सकती है कट ऑफ, ठीक है। अंदाज ही बताया जा सकता है क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया तो हम लोग एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकते, लेकिन अंदाज है कि इसी के लगभग जाएगी, 2-4 नंबर इधर उधर होगा बस, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम और कोर्सेज के बारे में बात करें, जैसे कि एमएनएस है, नर्सिंग वगैरह के कोर्सेज हैं, तो उन कोर्सेज के लिए बच्चों कट ऑफ आपकी 500 प्लस रहेगी। मैंने आपको 400 तक बताया था, लेकिन इस बार जैसा कंपटीशन देखने को मिल रहा है और जिस हिसाब से पेपर आया था, पेपर इजी दे करके आपका काम बिगड़ गया बच्चों, पेपर इजी आ गया था इसलिए कट ऑफ काफी बिगड़ गई है आपकी। पेपर इजी होने की वजह से एमएनएस की कट ऑफ मैं आपको कहती हूँ लगभग 500 के लगभग जाएगी एमएनएस के लिए,
ठीक है, तो सारे कोर्सेज जो भी मैंने आपको पहले कट ऑफ बता रखे थे, जिस भी वीडियो में मैंने बता रखा है, उन सभी वीडियो में कट ऑफ में आप 20 से 30 नंबर एक्स्ट्रा मान के चलना, 20 से 30 नंबर एक्स्ट्रा आप मान के ही चलना, क्योंकि इस साल कंपटीशन भी इंक्रीज हुआ है और आपके जो पेपर है वो भी ईजी आया था, इस वजह से कट ऑफ आपकी ज्यादा है। ठीक है, और जो बच्चे ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, मैं उनको एक बार सजेस्ट करूंगी कि बच्चों इस बात का ध्यान रखो, हर साल कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कोई ना कोई कोर्स आप चूज कर लो। नीट एग्जाम अभी आपने दिया है, हो सकता है अगली बार कंपटीशन और इंक्रीज हो और जो कोर्स आपको अभी मिल रहा है वो अगली बार ना मिले, ऐसा बहुत हो रहा है बच्चों। तो इसलिए अगर आपको खुद पे 100% भरोसा है ना, 100% भरोसा है कि आप अगली बार कर लोगे, तभी आप ड्रॉप लो, अदरवाइज कोई ना कोई कोर्स चूज कर लो बच्चों। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगी कोई ना कोई कोर्स चूज कर लो, वरना फंस जाओगे। ठीक है, फंस जाओगे, कोई ना कोई मेडिकल का कोर्स चूज कर लो, आपको BAMS, BHMS, आपको BUMS, इनमें से कुछ भी मिल रहा है, सबसे डॉक्टर बनते हैं बच्चों, वो चूज कर लो आप लोग, वो आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा। मैं नहीं कहती कि नीट की तैयारी छोड़ दो, नीट की तैयारी आप साथ साथ करते रहो। आप अगर कोई कोर्स कर रहे हो तो भी पहले साल आपको उतना फाउंडेशन नहीं रहता है किसी भी मेडिकल कोर्स में कि आपको हर दिन प्रेजेंट रहना है, आपको सब कुछ करना है, आपको फर्स्ट ही आना है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहता है। आप आराम से भी उस कोर्स को कवर कर सकते हो। ठीक है, कुछ महीने क्लासेस जाओगे चल जाएगा, आपका साल भर बचेगा। और अगर मान लो बाई चांस अगले साल भी नहीं मिलता है तो कम से कम आपका एक साल बर्बाद नहीं होगा, आपके पास एक कोर्स रहेगा और आपको पछतावा नहीं होगा, प्रेशर नहीं आएगा माइंड पे। तो इन बातों का ध्यान रखो आप। ठीक है, और कोशिश करो कि कोई ना कोई कोर्स आप चूज कर लो। हाँ, अगर मार्क्स बहुत कम है तो आप या तो प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हो या फिर आप सेमी गवर्नमेंट के बारे में सोच सकते हो, डीम्ड के बारे में सोच सकते हो। सेमी गवर्नमेंट डीम्ड कॉलेज क्या होते हैं, सर ने इन दोनों वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप जाके देख सकते हो। सारे वीडियोस का लिंक, जो नीट के सारे वीडियोस हैं, वो मैं एक प्लेलिस्ट में डाल देती हूँ, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। नीट यूजी की प्लेलिस्ट है मेरी, उसमें आपको सभी डिटेल, सभी एक जानकारी आपको नीट यूजी से रिलेटेड मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये सारी बातों का आप ध्यान रखो। और भी कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो बच्चों मैं आपकी हेल्प के लिए रेडी हूँ। थोड़ा इस समय मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ, जब आपकी जरूरत थी तो मैंने एग्जाम छोड़ के भी अपना कमेंट पढ़ा था, लेकिन फिलहाल मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो मैं कमेंट थोड़ा देरी से पढ़ रही हूँ, लेकिन पढ़ूंगी जरूर और आपका सबका रिस्पांस मिलेगा। जो ऐसे कमेंट हो रहे हैं जिनका रिस्पांस तुरंत जरूरी है, उसको हम तुरंत रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अदरवाइज बाकी कमेंट्स का एक दो दिन का टाइम हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है कमेंट्स में जरूर मेंशन करो, कभी ना कभी आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा, दो तीन दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा ही मिलेगा, और अर्जेंट रहेगा तो अर्जेंट भी रिस्पॉन्ड हम आपको देंगे। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, बाय, टेक केयर।